है हर सेवा केंद्र, उसमें उनका वाइब्रेशन रहता है। कई लोग आज मुरली व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ लेते हैं, ऑडियो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन यहां आकर के जो हमें सुख मिलता है, परमात्मा का डायरेक्ट एक वरदान मिलता है, वो सेवा केंद्र पर ही मिलता है। आपको मोबाइल में नहीं मिल सकता वो। क्यों बाबा ने यह सब विधि बताया है कि हमें स्थान पर आकर के, श्रेष्ठ स्थान पर आकर के उसका वाइब्रेशन लेना है, क्योंकि स्थान का बहुत महत्व है। आप सबको मालूम होगा, श्रवण कुमार जी एक बार अपने माँ बूढ़े माँ बाप को लेकर के कांवर में बिठा करके चार धाम की यात्रा करने निकले। सुने ना कहानी? बहुत दूर जाने के बाद एक स्थान ऐसा आया जहां पर उसके मन में आया कि मेरा जीवन क्या इसी में बीत जाएगा, क्या मैं अपना पूरा जीवन इसी में खपा दूंगा, ऐसे तरह तरह के विचार आने लगे। अभी हम सभी जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे वह घड़ी आ गई। आप सभी काफी समय से बैठे हैं और आगे भी हमारे महानुभाव आदरणीय भाई जी जिसका इंतजार कर रहे हैं हम सभी, आदरणीय गीता दीदी जी सब आएंगे और आप सबको और अपना उद्बोधन सुनाएंगे। और जैसे शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हैं उसी तरह से आगे भी बैठे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत ध्यान मग्न होकर के सुना, आत्मसात किया। देखिए, एक होता है सुनना और एक होता है मुख से वर्णन करना और एक होता है दिल में समाना। तो हमें अपने दिल में समाना है, सुनना भी है, सुनाना भी है और दिल में समाना भी है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ये बातें उतर जाएंगी, जैसे भागवत सुन के आते थे तो क्या करते थे, गांठ बांधते थे। गांठ बांधकर इसलिए रखते थे कि हमें वो स्मृतियां रहे कि हमने आज कौन सी प्रतिज्ञाएं की हैं। हम स्वाहा करते हैं, ये हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये क्या है, ये एक यज्ञ भी है। इसे क्या कहते हैं, इसका पुराना नाम है, वर्तमान नाम तो इसका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, लेकिन इसका एक पुराना नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है, क्या करते हैं, पंडित जी माइक से बोलते हैं, बोलो स्वाहा सभी, और धीरे से अगर बोलो तो कहेंगे नहीं अभी स्वाहा नहीं हुआ, जोर से बोलो स्वाहा।